मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म से विमुख हो रहे अर्जुन को उपदेश दिया था। उपदेश का प्रणाम निकला, अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और कर्म पथ पर चल पड़े। इसीलिए गीता को संजीवनी विद्या बताया गया है। संपूर्ण विश्व में यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता कोई पहले से लिखी पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह तो युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का उस अर्जुन को प्रवचन है जो अपने गुरु पितामह बंधु बांधवों को देखकर रणभूमि से विमुख होकर बोला, इन्हें मारकर राज सुख भोगने की मेरी कोई लालसा नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह भी एक विडंबना ही है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन कौरवों की सारी सेना को धराशायी करने का संकल्प लेकर उस रथ से आए थे जिसके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला, लेकिन गीता के कुल 700 श्लोकों को श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले ही बोला और उन्हें लिखा वेदव्यास जी ने। इन श्लोकों में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि का अद्भुत समन्वय है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की आशंकाओं और भ्रमों का समाधान होता है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, फल को दृष्टि में रखकर कभी भी कर्म न करो, यानी निष्काम कर्मयोगी बनो। कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल तुम्हारे अधीन नहीं है। वास्तव में गीता संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान है।